हेलो फ्रेंड्स, श्रावण का महीना शुरू हो गया है। श्रावण में तो फिर उपवास भी करते हैं सब और फलिहार भी करते हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार है और पूरे महीने भी कई लोग फलिहार करते हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सिंपल तरीके से साबूदाने की खिचड़ी बताई जाए। तो ये मैंने भिगोया हुआ साबूदाना है मेरे पास में, ये आधा किलो का एक पैकेट आता है, वो मैंने पूरा रात को भिगो लिया था। अगर आप शाम को बना रहे हैं तो सुबह भिगोइए, और सुबह बना रहे हैं तो रात को भिगोइए। कम से कम इतने घंटे में तो इसको भिगना ही है। और ये जितना साबूदाना है ना, इतना साबूदाना एक से दो बार में आप धो लीजिए, क्योंकि इसमें सफ़ेद सफ़ेद पाउडर निकलता है। तो दो बार आप धोने के बाद में हल्का सा इतना पानी आपको यहाँ पे ऐसे छोड़ना है, ताकि रात भर में उस पानी को मतलब ले के पूरा फूल के इस तरह से एक एक दाने खिल जाते हैं इसके। नहीं तो अगर आप पानी नहीं छोड़ेंगे तो ये सूखे सूखे थोड़े से करारे टाइप के भीगेंगे, है ना। तो ये जितना आप साबूदाना है उसे इतनी उंगली आप पानी को ऊपर ऐसे छोड़िएगा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा, ताकि वो पूरा अच्छे से भीग जाए। ये कटे हुए आलू हैं, कच्चा आलू है ये, आप बॉयल्ड आलू भी ले सकते हैं। कई लोग इसमें उपवास में लाल मिर्ची यूज़ नहीं करते, तो मैंने थोड़ी सी पीसी काली मिर्च ली है। ये 2 से 3 चम्मच शक्कर, ये नमक स्वाद अनुसार जो उपवास का आता है, फलिहार नमक आता है, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं। ये एक नींबू पूरा मैंने कटा हुआ लिया है, और ये मूंगफली को मैंने थोड़ा सा सेक के पीस लिया है मिक्सी में विथ छिलका, छिलके सहित। आप ये जितना ज़्यादा लेंगी उतना ये साबूदाना थोड़ा सा खुलेगा, कम में कंजूसी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये स्वाद अनुसार तेल है, आप घी भी ले सकते हैं, ऑप्शन है। और ये हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये कढ़ाई ऑलरेडी मेरी गर्म है, मीडियम है ये, और ये जो साबूदाना है इसी में मैं सब कुछ अच्छे से मिला लूंगी, ताकि जब हम गैस इसमें कढ़ाई में डालें तो एक जगह नहीं हो। ये नमक, नींबू, शक्कर, काली मिर्च, और ये आप ऑप्शन है, अभी डालना चाहते तो अभी डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं। इसमें जगह कम लग रही है तो इसमें बाद में डालूंगी मैं इसको। पहले जो नमक और शक्कर है इसको अच्छे से हिला लेते हैं, हाथों से हिला लेना अच्छे से, ताकि नमक सब जगह अच्छे से फैल जाए। बाकी तो कढ़ाई में तो हमको हिलाना ही है। ये कढ़ाई में पूरा तेल ले लिया है, इसको थोड़ा सा तेज कर लेंगे। इसमें आप जीरा भी यूज करते हैं, जो आप फलिहार में जीरा भी खाते हो जीरा भी ले सकते हैं। और ये मैंने इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाली, और ये जो कच्चा आलू है ये भी डाल देंगे, ताकि ये हरी मिर्ची का इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। और इसको आलू को पका लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के भी पका सकते हैं, नहीं तो तेल ज़्यादा है पक जाएगा। ये आलू पक गए हैं, ये देखिए मैं इसको हाथ से भी दबा के दिखा दूंगी, और इस तरह से भी दब जाएगा। ये छोटे छोटे आलू काटने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं काटने हैं। और मेरा स्टाइल मैं बताती हूँ, पोहा वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो मैं इसी के ऊपर जो भी मैं सब्जी वगैरह डालती हूँ उनमें, तो मैं इसके ऊपर ही जो सामान बनाना है वो डाल के रख देती हूँ, ताकि वो अंदर ही अंदर भपीस भी जाए और बढ़िया से टेस्ट भी आ जाता है। ये मेरा स्टाइल है। ये पूरा डाल देंगे, कम से कम भी 250 ग्राम है ये आधा किलो में, और इसको बढ़िया से हिला लेंगे। जितना आप हिलाते जाएंगे उतना ये खिलते जाएंगे, बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है कि आप थोड़ा सा हिला के छोड़ दें, बस हिलाते जाइए हिलाते जाइए, ये अपने आप दाने पूरे खिल जाएंगे। ये मैंने बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं डाला है, और हिलाते रहा है मैंने कम से कम 10 मिनट। ये पूरा एक एक दाना खिल जाएंगे, और पूरा जितना भी इसमें फ्लेवर हमने डाला है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, काली मिर्च, वो सारा फ्लेवर अच्छे से खुल जाएगा। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, और आप ये उपवास में जरूर खाइए बना के। साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।